रायपुर आए थे, रायपुर से यहाँ आए, उस जगह को ढूंढते ढूंढते वो लोग कहे कि यहाँ का पानी जाता है, उसको चेक किया गया और चेक किए तो पता चला कि इस पहाड़ से मतलब हीरा का कण जा रहा है। अच्छा, और इस पहाड़ में हीरा का खदान हो सकता है आज नहीं कल। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फंटूस ब्लॉग और मैं वैभव राजपूत हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया हूं अपने गांव मेछा रावना में, जो कि मैन पार्ट से करीब 25 किलोमीटर के अंदर है, कमलेश्वरपुर से 25 किलोमीटर के अंदर है। और ये पहाड़ मतलब यहाँ जस्ट आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर समथिंग ऊपर है वाटरफॉल। यहाँ 3-4 वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपको सब दिखाएंगे बारी बारी। और मेछा रावना क्यों पड़ा या मंदाकिनी पॉइंट क्यों पड़ा यहाँ का नाम आपको आगे बताएंगे। और यहाँ से शुरू होता है भाई ये अपना डैम है, तो चलिए चलते हैं। और आज हमारे साथ हैं दीपक भैया हैं। तो आज भाई हमें अपने गांव का एक खूबसूरत सा वाटरफॉल लेकर जा रहे हैं, बहुत दिन पहले बताए थे तो मैं सोचा क्यों ना ये वाटरफॉल देखा जाए, तो चलिए लेकर चलिए भाई। चलिए फिर मिलते हैं। और साथ में विवेक सर है। अब मैं बताना चाहता हूँ, भाई ही हैं जो ये वाटरफॉल को यूट्यूब में पहली बार डाले हैं। ओके, विवेक सर हैं जो पुणे महाराष्ट्र से हैं, और भाई है अपना बिलासपुर से, और एक भाई है दुर्गेश भाई अपना वो अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका से। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने अभी ट्रैकिंग स्टार्ट किया है और यहाँ के जंगल पूरा कटे हुए हैं। अगर मेरी वीडियो अगर कोई अधिकारी रूप से कोई देखता है, अगर कोई गवर्नमेंट वाले, तो इस पर इसको रोक लगाइए और यहाँ जो वनों की कटाई हुआ है उसको पूरा रोक लगाइए और यहाँ फिर से जितना हो सके पहले जैसा जंगल लगाने का कोशिश करें, पौधा लगाएं जिससे कि फिर से हरा भरा हो सके। कितना उजाड़ लग रहा है, पहले जैसे पीछे आप लोग देख सकते हो यहाँ पूरा पेड़ पौधे बहुत सारे थे इस तरह से कुछ, और प्रकृति को हानि ना पहुँचाए। और मेरे गांव वालों से भी अगर मेरे जो वीडियो देखते हैं उनको निवेदन है कि कृपया पेड़ों की कटाई मत कीजिए। दोस्तों ऊपर आने के बाद हम लोग को देखिए ये दूल्हा दुल्हन पत्थर मिला है, और बात करें तो ये देखिए आंगन है और ये है शंकर भगवान और पार्वती माता। और कहते हैं यहाँ किसी ज़माने में बारात आए थे तो वो पत्थर में पलट गए थे, एक साइड शंकर भगवान एक साइड पार्वती माता। ये देखिए इसका पूरा डिटेल मैंने एक वीडियो में डाला हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और यहाँ भाई लोग बैठे हुए हैं सभी कोई। साथ में पुराने के साथ दोस्तों हम लोग को इस तरह से कुछ स्टेप बाय स्टेप वाटरफॉल देखने को मिल सकते हैं, और इस तरह से है कुछ। अगर आप आते हो तो सेफ्टी को थोड़ा ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि थोड़ा ये रिस्की भी है, लेकिन जगह बहुत मस्त है। ये देखिए बिल्कुल अलग है दोस्तों, ये छुपा हुआ वाटरफॉल है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो हमारा ये वाटरफॉल इस तरह से कुछ है, और पानी बहुत मटपैला है जिसके कारण हम लोग अभी यहाँ खाना वाना नहीं बना पाएंगे, हम लोग अब जाएंगे नीचे। साथ में है दीपक भैया, वो भी परेशान है कि कहाँ लाके फंसा दिया मेरे को, बोल रहे हैं खुद भी हैरान मैं भी परेशान। चलिए अब आगे देखते हैं, अब उधर से देखते हैं आगे से। तो ये है दोस्तों मंदाकिनी पॉइंट अपना, मैं अभी वहाँ खड़ा हुआ था। वाटरफॉल देख सकते हो दो धार में गिरा है कि ये और दूसरा वो, इसलिए इसको मेछा रावना कहते हैं। ये देखिए रावण के मेछे के समान आकृति दिखाई दे रही है ना, इज दिस कॉल मेछा रावना। दोस्तों यहाँ वाटरफॉल अभी पानी जो गंदा हो गया क्योंकि खेत से जो गंदे पानी आ रहे हैं, तो पूरा वाटरफॉल का पानी पूरा गंदा हो गया और उसके बाद पूरा पानी ही। और हम लोग देखो यहाँ पूरा यहाँ साइड से है साफ पानी आ रहा है, तो अभी यही हम लोग अभी बना रहे हैं चावल, हाथ में है अंकल, चलिए दिखाता हूँ आगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कुछ ये इंटरेस्टिंग हमारा चावल बन रहा है और साथ में बनेगा टमाटर का चटनी, ये देखो इस तरह से। और अंकल अभी मूँगफली भून के खाने वाले हैं इस तरह से, इसका वो फीलिंग लेंगे वो किस तरह से, मतलब देखो आप देख सकते हो। तो अंकल कैसा लग रहा है आपको यहाँ का? तो बढ़िया लग रहा है। और बताना बताइए कहाँ से आए आप? हम पुणे से आए हूँ। अच्छा, मैं यहाँ डीके जुरेट के साथ
टूर करने वाला पूरा छत्तीसगढ़ का। अच्छा, अभी हम निकले हैं 8-9 तारीख को और अभी 1 महीना तक ऐसे ही घूमते रहेंगे, पूरा छत्तीसगढ़ घूमेंगे। और अंकल आपकी एज क्या है? मेरी एज है 64 कम्प्लीटेड, 65 रनिंग। देख सकते हो जुनून और जज्बा, आप भी ऐसा अगर घूमने का अगर जुनून हो तो आप भी आप अंकल की तरह उनके हौसले का सलाम है और उनकी तरह आप भी घूम सकते हो। और अंकल आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम है विवेक जी। थैंक यू सर। दोस्तों हमारा ये चावल लगभग तैयार हो ही चुका है, लगभग 90% कम्प्लीट हो चुके हैं। और ये कुछ बादाम खा रहे हैं अंकल, नमक नहीं लाना आपके लिए। ये अपना देसी दुकान दोस्तों। हाँ डालो डालो, पानी कितना रहेगा? अरे पत्ता फेंकना नहीं है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये हमारा टमाटर सूप तैयार हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अभी वहाँ ऊपर खाने के लिए, वो आगे में जाएंगे। और ये है पूरा नदी और ये हमारा टमाटर सूप और चावल, और इस टमाटर सूप का भी हम लोग लुत्फ उठाएंगे। दोस्तों हमारा ये आज का लंच है, चावल है, टमाटर चटनी और उसमें है मटर। और सभी को यहाँ देखे एंजॉय कर रहे हैं। भाई अपना देखो, अब मिर्ची ले रहा और आज भोले हम लोग को घुमाया है। डीके भैया को भी, डीके भैया कुछ एक्सपीरियंस? आप मिर्ची नहीं एक्सपीरियंस सर? बहुत ज़्यादा अच्छा भाई, बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ में पहली बार इस झरने के बीच में बैठ के खाना खा। आवाज़ कैसे दम हो रहा था? और तीखा भी है बहुत ज़्यादा, इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ, पर अच्छा लग रहा है इसलिए खा रहा हूँ। और बाकी दोनों को इतना बेहतरीन बनाया है, खाली फैल देखिए एक बार, दोना दिखाइए। ये देखिए ये अपना दोना है और ये है पत्तल। दोस्तों खाना बहुत टेस्टी था, बहुत ही मज़ा आया। टमाटर चटनी और चावल, चावल था हमारा जीरा फूल चावल जो मैंने घर से ही लाया था, बहुत ही टेस्टी था। और ऐसे नदी किनारे भाई पिकनिक जानते हो बहुत ही मज़ा आता है। और आप लोगों ने वाटरफॉल देखा, इतना मस्त था। और एक इसका जो पूरा व्यू है, मतलब जो पूरा डिटेल जो है, एक डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया हूँ, जाके आप वहाँ चेकआउट आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से वीडियो बना हुआ है, उसमें पहले और भी पानी थे, पूरा ऊपर तक जाके हम लोगों ने वीडियो बनाया था, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको ड्रोन वीडियो भी मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे और फिर एडवेंचर करते हैं भाई आगे। आप देखते रहिएगा, आप लोग ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रहा, मैं खाना बना रहा था, थोड़ा बिजी हो चुका था। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने जहाँ गाड़ी रखे थे और लवा लवा घूम के आ चुके हैं। दोस्तों अभी बड़े माँ और बड़े पापा से मिलाता हूँ और ये बहुत ही बुजुर्ग हैं और मेछा रावना के बारे में बताएंगे आप लोगों को कि वहाँ हीरा मिलता है उसके बारे में। तो बड़े पापा बताइए वहाँ क्या क्या हुआ था। वो आज से 30-40 साल पहले अफ्रीका से आए थे। अच्छा, वो रायपुर आए थे, रायपुर से यहाँ उस जगह को ढूंढते ढूंढते उन्होंने कहे कि यहाँ का पानी जाता है, उसको चेक किया गया और चेक किए तो पता चला कि इस पहाड़ से मतलब हीरा का कण जा रहा है। अच्छा, और इस पहाड़ में हीरा का खदान हो सकता है आज नहीं कल। अच्छा अच्छा, मतलब इस पहाड़ में हीरा होगा। हाँ, और नाग नागिन का भी कुछ है क्या? नाग नागिन का तो कहते हैं कि पुराने जमाने में नाग नाग नागिन आते थे, उतरते थे। अच्छा, बड़े माँ भी कुछ बताएंगे, कुछ है यहाँ पहाड़ में नाग नागिन वाला बात तो एकदम सच। अच्छा, आज भी उतरते हैं, देखने वाले लोग देखते हैं। अच्छा, दिखाई देते हैं, किसी किसी को दिखाई देते हैं, सबको दिखाई देते हैं। अच्छा, अब यही सब बताऊंगी और बेटा का बात कह रहे हैं वो भी सब सोच सकता हूँ। अच्छा, कुछ नहीं बताना। ठीक है, ठीक बड़े माँ फिर।